और उधर रोहतक में गांव आनंदपुर भाली के पास एक हरियाणा रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई है। बस ने यहां अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। रोहतक बस डिपो की यह बस भिवानी से रोहतक की तरफ आ रही थी। बताया जा रहा है कि बस चालक बस को तेज रफ्तार से चला रहा था और उसकी लापरवाही की वजह से ही यह बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर लगने से बस में सवार करीब 10 लोगों को चोटें आई हैं। चोट लगने के बाद उन्हें PGI रोहतक में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, मगर गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी की इस घटना में जान नहीं गई है। मेरा नाम परवीन है, मैं रोड में परिचालक हूँ। मेरा गांव बाली है, ये गांव है। ये गाड़ी सुबह मैम से कलानो रोते हुए आती है, तो रास्ते में एक ट्रक खड़ा था और टेक के चक्कर में गाड़ी लग गई और कोई हताहत नहीं हुआ। एक लड़की के फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है और वह लड़की PGI में है। छुट मुट चोट है, ज़्यादा एक ही लड़की का फ्रैक्चर है बस बताया गया है, इतना में बताया गया था। एक ही लड़की का फ्रैक्चर है, बाकी चोट तो कई लग रही है, हड़की फुड़की है। वो अपने घर चले गए उपचार के बाद।